हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट करा दिया गया है, लेकिन आज जो आपको बताने वाले हैं वो एक्सरसाइज नया एक्सरसाइज है 3.4, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, विलोपन विधि से भी हल करना है, और उसमें बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कि कौन सी विधि आपको अधिक आसान लग रहा है। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताना है। फर्स्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, चार क्वेश्चंस हैं, उसमें यही बताना है। तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पूरे विधि आपको बता दिया गया है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। आप उसको फिर से ट्राई कीजिए, अपने से बनाइए। अगर नहीं सॉल्यूशन उसका हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। लेकिन आप ट्राई कीजिए, आप करेंगे तभी कुछ होगा, आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप ट्राई कीजिए, एक बार कोशिश करके देखिए, ठीक है। उसके अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न नंबर दो, जिसमें कुछ प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि आपको यहाँ से क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, इसलिए कम समय में आपको पूरे सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। इसलिए आप लोग रेगुलर बने रहिए और देखते रहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसमें कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो शब्दों वाली संख्या, शब्दों वाली क्वेश्चंस हैं, उसको समीकरण तैयार करके आपका सॉल्यूशन देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको हम समझे कैसे और बनाए कैसे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। एक समीकरण आपका यहाँ तैयार हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। एक समीकरण आपका यहाँ तैयार हो जा रहा है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक भिन्न में दो चीज आते हैं, एक भिन्न में भिन्न बराबर दो चीज आता है, अंश और हर। तो अंश और हर निकालने के लिए तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो हम मानेंगे कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y। एक बार प्रश्न से आ जाइए, प्रश्न से जो भिन्न आपने लिया है उस भिन्न को एक बार ले लीजिए, यानी कि भिन्न जो आपने लिया है, भिन्न बराबर क्या लिया है, अंश बटा हर। जो भिन्न आपने लिया है अंश बटा हर, इसमें देखिए कि जो भिन्न आप लिए हैं अंश और हर, वो क्या क्या है। अंश आपका एक्स है, हर वाई है। अंश क्या है, एक्स है, और हर वाई है, ठीक। अब इसी के साथ आपको सारा चीज करना है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, अंश यानी कि एक्स में एक जोड़ दें तथा हर यानी कि वाई में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। भिन्न एक में बदल जाता है, ये देखिए एक में बदल जाता है। अब यहां से हम एक समीकरण तैयार करेंगे, कैसे, इसका सॉल्यूशन करके। कैसे सॉल्यूशन करेंगे इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक आ जाएगा, किसी के भिन्न में किसी के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो वहां एक होता है, आपको पता होना चाहिए। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी कि एक आएगा तो यहां गुना करेगा, वाई माइनस एक जाएगा तो वहां गुना करेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो जितना है उतना ही रह गया। अब वाई माइनस वन से एक में गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, उतना ही रह गया। अब एक्स और वाई के बीच में संबंध बनाइए, तो एक्स प्लस वाई है बराबर किधर लेके आएंगे, माइनस वाई, इधर बच गया माइनस एक, यहाँ प्लस एक है बराबर किधर लेके आएंगे, माइनस एक होगा। एक्स माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस में जोड़ा जाता है, अंक जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो एक एक दो, ये हो गया आपका समीकरण एक। आपने एक समीकरण तैयार कर दिया। दूसरा समीकरण आप तैयार करने के लिए फिर से प्रश्न पढ़िए और निकालिए। तो लिखिएगा पुनः प्रश्न से एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए, जहां तक आपने बना दिया है वहां तक छोड़ दीजिए, वहां से एक प्रश्न और पढ़िए। तो जो भिन्न आपने लिया है वो भिन्न है आपका एक्स बटा वाई। अब देखिए, यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, वहीं भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करें, ठीक है। हर में एक जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में एक जोड़ देना है और वह भिन्न 1/2 हो जाती है। अब यहां से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एक समीकरण और मिलेगा आपको, जो समीकरण दो होगा। यहां भी हम वही करेंगे जो हमने समीकरण एक के लिए किया है, यानी कि यहां भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस यानी कि तिरछा तिरछी, दो आएगा तो यहां गुना कर लेगा, वाई प्लस वन जाएगा तो वहां गुना कर लेगा, ठीक है। तो दो से एक्स गुना कीजिएगा, दो एक्स, वाई प्लस वन से एक में गुना कीजिएगा तो वाई प्लस वन ही होगा। अब एक्स और वाई के बीच में संबंध बनाइए, तो दो एक्स प्लस वाई है बराबर किधर आएगा, माइनस वाई, और इधर बच गया एक, ये हो गया आपका समीकरण दो। इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ x का मान तय नहीं किया गया,
क्योंकि हम यहाँ विलोपन विधि बनाएंगे। प्रत्यास्थापन विधि तो आपने बहुत समझा, अब विलोपन विधि देखिए कैसे होता है। ऐसे तो विलोपन विधि आपको बता दिया गया कैसे हल होता है। समीकरण एक और समीकरण दो को देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए कि समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर माइनस दो और समीकरण दो है 2x - y = 1। इसमें कौन कटने वाला दिख रहा है आपको? वाई वाई सिंगल है, इसमें कोई गुना करने का झंझट नहीं है, तो ये कट जाएगा। और x में है तो यहाँ दो चाहिए, क्योंकि यहाँ दो है तो यहाँ गुना करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आप y को ही कटाइए। और y का देखिए चिन्ह क्या है, तो y का चिन्ह माइनस है, यहाँ का भी चिन्ह माइनस है। जब समीकरण माइनस माइनस में हो तो क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ेंगे। तो एक लाइन लिखिए कि समीकरण एक प्लस समीकरण दो, यानी कि हमने समीकरण एक और दो को जोड़ना है। तो समीकरण एक लेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस दो, और दूसरा समीकरण है 2x - y = 1। आपको क्या बताए थे कि जब माइनस माइनस में हो तो हम समीकरण को जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं तो ये आ गया जोड़। यहाँ का तो चिन्ह बदल गया, तो एक वो तो चिन्ह बदलने से होगा, नहीं तो सबका चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो यहाँ का भी चिन्ह बदलेगा। प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ का भी चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो गया, यानी कि पूरा चिन्ह बदलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस 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 में घटाते हैं, तो एक गो एक्स में से दो गो एक्स तो घटेगा नहीं, तो दो गो एक्स में से एक गो एक्स घटाइएगा ना, तो एक एक्स होगा। जिधर से घटाएं उधर का चिन्ह आपको लेना पड़ेगा, तो किधर से घटाए हैं, तो दो एक्स की तरफ से, तो दो एक्स का चिन्ह क्या है, माइनस, तो आ गया माइनस। ए प्लस माइनस आपका कट गया, वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, अंक जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का देंगे, तो ये हो गया माइनस तीन। एक्स माइनस और तीन दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, तो आपने एक्स का मान तय कर दिया, यानी कि एक्स का मान आपने निकाल दिया, एक्स बराबर तीन। ये देखिए x का मान आपने निकाल दिया, अब y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में, समीकरण एक या समीकरण दो में हम x का मान रखेंगे, हमें y का मान मिल जाएगा। तो जिसमें आपको लेना है, एक में या दो में, उसको एक बार लिखिए। अगर एक में लेते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण एक में x बराबर तीन रखने पर या लेने पर, तो आप समीकरण एक ले सकते हैं। जब समीकरण एक लीजिएगा तो समीकरण एक देखिए x माइनस वाई बराबर माइनस दो, अब इसमें हमें x का मान पुट करना है, रखना है, तो x का मान जब लेंगे तो x का मान है तीन माइनस वाई बराबर माइनस दो, तो माइनस वाई बराबर माइनस दो यहाँ क्या है, प्लस है तीन, बराबर किधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, अंक जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का जाएगा, तो तीन दो पाँच, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया तो वाई बराबर बच गया पाँच। आपने वाई का भी मान तय कर दिया, यानी कि निकाल दिया, वाई बराबर पाँच। एक्स और वाई को दोनों को देखिए, एक्स को हमने माना है क्या, अंश, और हर को माना है वाई, तो इससे एक भिन्न तैयार होता है जो होगा भिन्न बराबर आपने जो लिया है एक्स बटा वाई, तो एक्स कितना है, एक्स है तीन और वाई है पाँच, तो इस अंश और हर से आपने एक भिन्न तैयार कर दिया तीन बटा पाँच, जो आपका फाइनल सॉल्यूशन यानी कि आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चंस अगर हो तो हम उसे इस तरीके से बना सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में भी आपको ऐसे ही समझाया गया है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में यहाँ से हम x का मान तय किए हैं और उसे समीकरण दो में रख के उसका सॉल्यूशन दिए हैं। ठीक है, तो एक बार इसे आप देखिए, समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइए, आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल साहस स्टडी से, और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।